टीचर्स डे बनाने से तालीम बेहतर नहीं होगी? तालीम अहम है तो फिर तालीम देने वाले भी बहुत अहम है। स्कॉलरशिप्स कुछ गरीब बच्चों के लिए आप सोच रही हैं? स्कॉलरशिप्स अगर हम ना रखें तो हम बच्चे को ला नहीं सकते। तालीम इन्वेस्टमेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। टीचर्स डे है आज, वेयर डू यू सी, वेयर डू द टीचर्स स्टैंड इन आवर सोसाइटी टुडे? क्या लोग कुछ कहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट कम हो गई है, रिस्पेक्ट बढ़ गई है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, डिक्रीज हुई है? आप बताइए। टेंजिबल एविडेंस है आपके पास और उसकी वजह मौजूद है। देखिए, टीचर्स डे बनाने से या यूनिवर्सिटी डे बनाने से या एजुकेशन डे बनाने से तो तालीम बेहतर नहीं होगी। तालीम उस वक्त बेहतर होगी जब आपकी वो प्रायोरिटी हो। तो अगर आप बजट एलोकेशन ही देख लें तो इस पूरे खित्ते में, साउथ एशिया में, पाकिस्तान की जो बजटरी एलोकेशंस हैं फॉर एजुकेशन वो लोएस्ट हैं। और इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स करा सकें। यानी जो हमारी साइंसेज हैं, जो स्टेम कहते हैं ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, उसके लिए जो कोर चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए पैसे नहीं हैं। और कोई भी कौम उसके बगैर ग्रो नहीं कर सकती। देखिए, हम इंडिया से मिसाइल्स में और न्यूक्लियर प्रोग्राम में पैरिटी करते हैं, कंपेयर करते हैं। दी इंडियन इकानमी इज़ टेकन ओवर द ब्रिटिश इकानमी। और कहाँ उन्होंने बहुत फोकस रखा, कहाँ उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया? एजुकेशन, वो तालीम है। तालीम है। तो अगर आपको जब तक ये प्रायोरिटी नहीं आएगी ना कि तालीम अहम है, और अगर तालीम अहम है तो फिर तालीम देने वाले भी बहुत अहम है। तो मुझे ये बताइए, जो प्राइवेट सेक्टर है मैम, इतना महंगा हो गया है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, आप माशाल्लाह से अब एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं माइट की, तो आपके यहाँ स्कॉलरशिप्स कुछ गरीब बच्चों के लिए आप सोच रही हैं? कुछ टैलेंट बेस्ड, नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड, इसके स्कॉलरशिप्स अगर हम ना रखें तो हम बच्चे को ला नहीं सकते। लेकिन आप जब कहते हैं ना तालीम बहुत महंगी हो गई है, तो एक तो उस माइंड सेट में भी तब्दीली की ज़रूरत है। तालीम खर्चा नहीं है, तालीम इन्वेस्टमेंट है। आप उन फैमिलीज़ की ट्रेजेक्ट्रीज देख लीजिए जिन्होंने तालीम, अपने बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट किया, वहाँ आपने अपवर्ड सोशल मोबिलिटी देखी है। तो एक मिडिल क्लास, ये तो मैं आपके तवस्सुत से ये बात कहना चाहती हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, अगर वो तालीम में इन्वेस्ट करती हैं तो फिर उनकी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी को कोई रोक नहीं सकता। यहां सबको सिर्फ एक मिनट मिलेगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लाखों करोड़ों बस एक मिनट में, जीतो एक मिनट में, बुध और जुमेरा शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।